नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपको स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पहली बार हुए मीडिया से मुखातिब। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां मनियर ब्लॉक के अंतर्गत बिष्णुपुरा के भारतीय जनता पार्टी के कछावर नेता राष्ट्रपति पुरस्कृत एवं प्रधान सचिव उत्तर प्रदेश के महासचिव पंडित श्रीनिवास मिश्रा एक बार भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के पद पर सौंपाए। अब यह देखना है कि पंडित श्रीनिवास मिश्रा किस तरह से अपने पद का निर्वहन कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपनी बातों को पंचायत से संबंधित बता करके पार्टी को मजबूत करने के लिए और 2022 में पुनः योगी सरकार को मुख्यमंत्री बनने के लिए कैसे काम करेंगे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पंचायत से संबंधित पूरी विधिवत जानकारी उन्होंने दी है और किस तरह से 2022 में बीजेपी को मजबूत करेंगे, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सर, आज मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूं। श्रीनिवास मिश्र, ग्राम विष्णुपुरा। सर, एक बात सामने आ रही है, आप राष्ट्रपति पुरस्कृत भी हैं, प्रधान संघ के संरक्षक भी रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं। पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास करके जो जिम्मेदारी पंचायत प्रकोष्ठ की जिला संयोजक की आपको दी है, इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से निर्वहन करने का काम करेंगे, जबकि आपकी उम्र 70 के दशक की हो गई है और आपके अंदर जो 30 वर्ष के बच्चों की तरह जो ताकत आती है, ऊर्जा जो मिलती है, यह आप कहां से पाते हैं? देखिए, हम बहुत पहले से, चूँकि 3 बार प्रधान हम रह चुके हैं, 2 बार जब कोऑप्शन से क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता था उसमें हमारी पत्नी रही हैं, 5 बार से क्षेत्र पंचायत का नेतृत्व कर रहा है आदमी। वर्तमान में आप कहिए महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित, और मैं पंचायत से हमेशा जुड़ा हुआ आदमी हूँ और इस समय वर्तमान में प्रधान संघर्ष संघ के राष्ट्रीय महासचिव, जिला का संरक्षक प्रधान बना देते हैं जी कि नहीं, आप प्रधान से संगठन से हमेशा रहे हैं तो संरक्षक रहेंगे तो हम लोग का देखभाल करते रहेंगे, समय समय पर आपसे राय हम लोग लेते रहेंगे, मार्गदर्शन आपका लेते रहेंगे। लेकिन आप इस समय वर्तमान में प्रधान संघ के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं? प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर राष्ट्रीय महासचिव। और अभी हमको जो आप प्रश्न किए हैं जी, आपको पंचायत प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी वैसी पार्टी है ये जो जिस लायक रहता है पार्टी स्वयं आकलन करती है और पद देकर के स्थापित पद पर स्थापित करती है, और इन्हीं सबों को देख करके हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष के द्वारा मेरा नाम चयनित कराया गया है और पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा मैं उसको चाहूँगा आज कि जो पार्टी का दिशा निर्देश है उसको सुचारू रूप से, उसका पूर्ण रूप से चाहेंगे कि जिले के पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधियों को लेकर के चला जाए, प्रतिनिधियों के सम्मान, प्रतिनिधियों के एक साथ बैठा करके पार्टी की नीतियों की बात करना, पार्टी की जो नीति है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत में योजनाओं को लागू कराना। अभी आपसे एक चीज़ बताऊं कि आज तक हम देखते हैं, अभी अभी सम्मान हुआ है तो प्रधान, आदरणीय प्रधानगण, सम्मानित क्षेत्र पंचायत गण का सम्मान समारोह हुआ है। मैं एक सुझाव अपने सभी आदरणीय विधायकगण के साथ एक बैठक में बात करेंगे, उन लोगों से निवेदन करेंगे कि जनप्रतिनिधि में, पंचायत प्रतिनिधियों में जिला पंचायत के सदस्य, प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत गण ही नहीं है, एक बहुत बड़ी संख्या में
ग्राम पंचायत के हमारे सदस्य आदरणीय सदस्यगण हैं। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि एक विधानसभा में लगभग 200 पौने 200 ग्राम पंचायतें आती हैं, 150 से लेकर के 200 ग्राम पंचायतें आती है एक विधानसभा में, और एक गांव में 11 से लेकर के 15 तक सदस्य चुने जाते हैं। तो 1500 से 2000 एक विधानसभा में लगभग 2000 हमारे पंचायत प्रतिनिधि हमारे आदरणीय पंचायत के सदस्यगण हैं। मैं उनको भी निवेदन करूंगा, पार्टी से निवेदन करूंगा, या अपने आदरणीय विधायकगण से निवेदन करूंगा, अपने सांसद महोदय से निवेदन करूंगा, या अपने जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष से कि हम हर गांव के एक एक वार्ड में नेता जो हमारे पंचायत सदस्य हैं उनसे मैं मिलूं, उनका सम्मान करूं। जब ग्राम पंचायत के सदस्यों का सम्मान होगा, क्योंकि गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा, तो हम जब पंचायत के सदस्य जुड़ेंगे